Our topic of discussion is carbohydrates. Carbohydrates are commonly known as sugars or saccharides because more familiar carbohydrates have sweet taste. इसकी definition अगर हम देखें तो ये ऐसे compounds हैं जिनमें carbon, hydrogen और oxygen मौजूद होता है. अगर इस वर्ड कार्बोहाइड्रेट को हम देखें तो इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कार्बो एंड हाइड्रेट्स. दैट मीन्स हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. इट मीन्स कि ये ऐसे कार्बन्स हैं जो कि वाटर के साथ एसोसिएटेड हैं. अगर हम केमिकली देखें कार्बोहाइड्रेट्स को तो दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन्स. इनमें या तो हमारे पास कीटोन्स मौजूद होंगे या इसमें हमारे पास एल्डिहाइड्स मौजूद होंगे. और चेंज टू सच सब्सटेंसेस ऑन सिंपल केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस एज हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन. और मुख्तलिफ जो रिएक्शंस हैं जैसे कि हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उसके ज़रिए से ये चेंज भी होते रहते हैं. इसमें ट्रांसफॉर्मेशंस भी देखी जाती हैं. ये जो दो स्ट्रक्चर्स हैं ये एग्जांपल्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, जिसमें जो लेफ्ट साइड पे जो स्ट्रक्चर मौजूद है उसमें वी कैन सी के जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड मौजूद है ऑन टॉप ऑफ इट. और ये स्ट्रक्चर है हमारे पास ग्लूकोज का. एंड ऑन द राइट साइड वी हैव द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज विच हैज़ कीटोन एज फंक्शनल ग्रुप. क्लासिफिकेशन अगर हम देखें कार्बोहाइड्रेट्स की तो इसकी जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सैकराइड यूनिट्स तो वो तीन ग्रुप्स में इसको क्लासिफाई किया जाता है, मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स. मोनोसैकराइड्स, मोनो मींस वन एंड सैकरम मींस शुगर. मोनोसैकराइड्स हमारे पास सबसे सिंपल शुगर्स हैं विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू मोर सिंपलर यूनिट्स. ये फर्दर ब्रेक डाउन होकर मज़ीद सिंपल यूनिट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते क्योंकि यही सबसे सिंपल यूनिट्स हैं और दे आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर. अगर हम इसमें नंबर ऑफ कार्बन्स की रेंज देखें तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 3 to 7. 3 से लेकर 7 तक इसमें कार्बन मौजूद होंगे. और इसका फार्मूला अगर हम देखें तो इट इज़ CnH2nOn, वेयर n शोज़ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मोनोसैकराइड्स. अगर हम इनके नेम्स देखें मोनोसैकराइड्स के तो उनके एंड पर O's आता है. क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकराइड्स इज़ बेस्ड अपॉन फंक्शनल ग्रुप एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. इसकी दो क्लासिफिकेशंस होंगी. सो पहली हम अगर देखें ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप तो उसमें ऐसे मोनोसैकराइड्स जिसमें एल्डिहाइड मौजूद होंगे वी विल कॉल इट एल्डोजेस. और जिसमें कीटोन मौजूद होगा एज फंक्शनल ग्रुप उसको हम बोलते हैं कीटोजेस. और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बेसिस पे अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन देखें मोनोसैकराइड्स की तो वो हमारे पास हमने कहा था इसकी रेंज है फ्रॉम 3 carbon to 7 carbon. तो इस तरह से हमारे पास 3 to 7 नंबर ऑफ कार्बन तक आ जाते हैं. 3 carbons वाले जो मोनोसैकराइड्स हैं उनको हम ट्राइओजेस बोलते हैं. दोज हैविंग 4 carbon आर कॉल्ड tetroses, then pentoses with 5 carbons, hexoses having 6 carbons and heptoses having 7 carbons. अगर आप इन सब के names देखें तो they are ending with O's. Examples of monosaccharides में हम देखते हैं ये जो सारी classes हमने देखी triosis से लेकर heptoses तक, इसके formula अगर हम देखें तो triosis में हमारे पास 3 carbon है और हाइड्रोजन 6 हैं क्योंकि हमने फार्मूला में देखा था कि हाइड्रोजन जो है वो डबल है और कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो अगर N है तो H के साथ 2N मौजूद था. तो ट्राइओसिस में हमारे पास आ जाता है C3H6O3. और इसी तरह ये सारे नंबर्स जो हैं वो नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ते जाते हैं towards heptoses. और heptoses में अगर आप इसका formula चेक करें तो it is C7H14O7.
और हर एक जो क्लास है मोनोसेकराइड की उसमें एल्डोजेस की एग्जांपल भी गिवन है और कीटोजेस की भी एग्जांपल गिवन है। जैसे कि ट्रायोजेस में एल्डोजेस है हमारे पास, उसकी एक एग्जांपल है ग्लिसरल्डिहाइड, और कीटोज की एग्जांपल है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। इसी तरह टेट्रोजेस में एल्डोज की एग्जांपल है एरिथ्रोज, और कीटोज की एग्जांपल है एरिथ्रुलोज। पेंटोज में एल्डोज आ जाएंगे हमारे पास राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, और कीटोज है हमारे पास राइबुलोज। सिमिलरली हेक्सोजेस की एग्जांपल्स अगर हम देखें तो एल्डोज में है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, और कीटोज में है फ्रक्टोज। हेप्टोजेस में अगर हम देखें एल्डोज की एग्जांपल तो वो है ग्लूकोहेप्टोज, और कीटोज की एग्जांपल अगर हम देखें तो वो है सीडोहेप्टुलोज। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पे, जो है ओलिगोसैकेराइड्स। दिस ग्रुप कंसिस्ट्स ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। ये डिफरेंट जो यूनिट्स हैं उनसे मिलकर बना है, मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बना है, जो कि 2 से लेकर 10 तक हो सकते हैं। इसीलिए जब ये हाइड्रोलाइज होंगे तो ये ब्रेक डाउन होंगे उतने ही यूनिट्स में जितने से ये मिलकर बने हुए हैं। दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच अपॉन हाइड्रोलिसिस यील्ड 2 to 10 सैकेराइड यूनिट्स आर कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड्स। अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सैकेराइड यूनिट्स, तो ओलिगोसैकेराइड्स जो है इनकी जो क्लासिफिकेशन है वो आ जाती है डाईसैकेराइड्स, ट्राईसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स एंड सो ऑन। क्योंकि हमने देखा कि 10 तक जाते हैं इनके यूनिट्स, तो वो 10 तक इसी तरह इनकी क्लासेस भी जाएंगी। इनमें जो ज़्यादा कॉमन है दे आर डाईसैकेराइड्स। 2 monosaccharides combine to form a disaccharide. Disaccharides are less sweet in taste and less soluble in water. These can be hydrolyzed to give monosaccharides. इनको अगर हम अगर water में add करें और ये जो है वो breakdown हो in the presence of water, तो ये जिन मोनोसैकेराइड यूनिट्स से मिलकर बने थे ये उन्हीं में वापस ब्रेक डाउन हो जाएंगे। इनका फॉर्मूला अगर हम देखें तो वो है C12H22O11। इसकी कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें तो सक्रोज आ जाती है, जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना है। इसी तरह लैक्टोज इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ डाईसैकेराइड, जो कि गैलेक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बना है, और माल्टोज जो है वो दोनों जो ग्लूकोज के जो यूनिट्स हैं उससे मिलकर बना हुआ है। अगर हम देखें डाईसैकेराइड्स के हाइड्रोलिसिस को, तो उनको अगर हम वाटर में मिक्सअप करें तो वो अपने जिन सैकेराइड यूनिट्स से वो मिलकर मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर वो बने हुए थे वो उनमें ब्रेक डाउन हो जाते हैं। जैसे कि माल्टोज प्लस वाटर gives us 2 molecules of glucose. Sucrose plus water gives us glucose plus fructose, and similarly lactose plus water gives us glucose plus galactose. अब हम next class देखेंगे carbohydrates की, जो के हैं polysaccharides. Those carbohydrates which upon hydrolysis yield more than 10 monosaccharide units are called polysaccharides. ये जो है ये हमारे पास largest group of carbohydrates हैं। इसकी अगर हम types देखें तो दो types हैं। पहली जो type है वो है homo polysaccharides. ये ऐसे polysaccharides हैं जो के एक जैसे monosaccharide units से मिलकर बने हुए हैं। और इसकी अगर हम एग्जांपल्स देखें तो इसमें हमारे पास आ जाता है स्टार्च मॉलिक्यूल, जो कि बहुत से ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। इसी तरह ग्लाइकोजन हमारे पास जो है वो डिफरेंट अल्फा ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे, उनके जो यूनिट्स हैं उनसे मिलकर बना हुआ है। इसी तरह सेलुलोज हमारे पास है example of homopolysaccharides, and there is another example which is chitin. Chitin mein ek hamare paas additional group and acetyl group, jo uski dusri type hai
वो है पॉली हीट्रो पॉलीसेखराइड, जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोसेखराइड से मिलकर बना हुआ होता है। और उसकी एग्जांपल्स में हमारे पास एगर आ जाता है, पेक्टिन है एंड पेप्टाइडोग्लाइकेन। एट द एंड हमारे पास आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल्स में देख लें, ग्रेप्स की एग्जांपल, जिसमें कि एनर्जी जो है वो स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ सक्रोज। इसी तरह इसका जो सेकंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है स्टोरेज मॉलिक्यूल्स, स्टोरेज का काम करते हैं, जैसे कि ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर्ड होता है एनिमल्स के अंदर। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज स्ट्रक्चरल बिल्डिंग मटेरियल्स, जैसे कि हमने सेलुलोज की एग्जांपल देखी और काइटिन की एग्जांपल देखी। सेलुलोज जो है वो प्लांट्स में मौजूद होता है, ये उसके बिल्डिंग मटेरियल है, और काइटिन जो है वो मौजूद होता है इंसेक्ट्स के एग्जोस्केलेटन के अंदर। दैट वॉज ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।